दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड के ऐसी 5 मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ सच्ची घटना पर आधारित है बल्कि उन्हें IMDb और गूगल पर भी अच्छी रेटिंग मिली है। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रियल हॉरर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर आती है द अमिटीविले हॉरर। साल 2005 में रिलीज हुई यह मूवी सत्य घटना पर आधारित है जिसमें न्यूयॉर्क में रहने आए एक शांत स्वभाव के परिवार को अपने नए घर में इतनी भूतिया घटना का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अंदर से झकझोर देता है। वह इस घटना से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि 4 वीक में ही इस घर को खाली करके चले जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की माने तो वह परिवार इतना डर और सहम गया था कि उन्होंने अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया था। अमिटीविले एक हॉरर किताब पर आधारित है जिसमें 1974 की घटना के बारे में बताया गया है जहाँ रोलांड नाम के एक युवक ने एक रात में ही अपने परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद रोनाल्ड तो जेल चला गया पर उस घर में रहने आए नए परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है और गूगल पे इसे 85% लोगों ने पसंद किया है। यह आंकड़े मूवी के हॉरर होने के पुख्ता सबूत देते हैं। यह मूवी वास्तव में बहुत डरावनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी को विस्तार से अपने चैनल पर बताऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नंबर 4 पर आती है द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 में रिलीज हुई जिसे IMDb पर 6.7 रेटिंग मिली और गूगल पर इसे 87% लोगों ने पसंद किया। इस मूवी में एक लड़की पर 6 या उससे अधिक आत्माओं का वास होता है। यह लड़की इन आत्माओं की वजह से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है और यह सभी आत्माएं इस लड़की को अंदर से कमजोर कर देती है। इसके बाद प्रीस्ट द्वारा उस लड़की पर अप्रोक्स 67 बार एक्सोरिज्म की प्रक्रिया की गई जिससे अगले दिन ही उस लड़की की मृत्यु हो गई। यह मूवी जर्मनी कैथोलिक में रहने वाली एक लड़की एनालिस मिशेल पर आधारित करके बनाई गई है। नंबर 3 पर आती है इट मूवी 2017 की एक सर्वश्रेष्ठ हॉरर मूवी मानी जाती है। इसे IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली और गूगल पर इसे 88% लोगों ने पसंद किया। दोस्तों, मूवी एक जोकर की सच्ची घटना पर आधारित करके बनाई गई है जो कि बच्चों को मारने उनको खाने का शौकीन होता है। दोस्तों, वैसे तो जोकर बहुत ही फनी होते हैं और इन्हें देखना किसको अच्छा नहीं लगता, पर यदि इन्हीं जोकर को खौफनाक तरीके से दिखाया जाए तो यह बहुत डरावना होता है। मूवी में पेनीवाइज नामक एक जोकर होता है जो बहुत ही डरावना होता है। अगर एक बार पेनीवाइज इंसान को खा ले तो उसके बाद ही 27 सालों तक सोने चला जाता है। इट मूवी की कहानी 1972 में जॉन गेसी नाम के एक जोकर पर आधारित है जो कि लोगों को अपने घर ले जाकर उन्हें मार देता था। जॉन गेसी ने 33 से भी ज्यादा हत्याएं की जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसे साइको था जिसे एक दिमागी बीमारी कहा जाता है। इस मूवी के रिलीज के समय इस मूवी का बहुत विरोध हुआ क्योंकि जोकरों का यह कहना था कि यह मूवी उनके इमेज को खराब करती है। नंबर 2 पर आती है द एग्जॉर्सिस्ट। 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट एक ऐसी हॉरर मूवी है जो कि आज ही बहुत डरावनी मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त एक्टर्स और मेंबर्स के बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटी। इस मूवी को IMDb पर 8 रेटिंग मिली और गूगल पर इसे 87% लोगों ने पसंद किया। 1949 में घटित एक सच्ची घटना को 1973 में इस मूवी का रूप दिया गया। इस मूवी में 2 प्रिस्ट एक लड़की पर एक्सोरिज्म की प्रक्रिया करते हैं परंतु रियलिटी में यह घटना एक लड़के के साथ हुई थी। इसमें 2 नहीं बल्कि बहुत सारे प्रिस्टों ने मिलकर एक्सोरिज्म की प्रक्रिया की थी। उस लड़के का नाम गुप्त रखा गया और उस एक्सोरिज्म में भाग लेने वाले सभी प्रिस्ट की माने उन्होंने ऐसी घटना आज तक नहीं देखी थी। अपने अगले वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में इस मूवी की कहानी का खुलासा करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दे क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में 100 लाइक का एम रखता हूँ। और अगर आप सबका प्यार मेरे साथ रहा तो मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक जरूर मिलेंगे। नंबर 1 पर आती है द कॉन्जरिंग 2। दोस्तों, द कॉन्जरिंग सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी हॉरर मूवी है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ हॉरर मूवी में गिनी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर करें। द कॉन्जरिंग 2 मूवी को IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली और गूगल पर इसे 92% लोगों ने पसंद किया। इस मूवी में भूतिया घटना एक परिवार के साथ होती है जिसमें एक औरत और उसके 4 बच्चे होते हैं। इस मूवी में एक आत्मा उन्हें परेशान करती है। यह हॉन्टेड घर लंदन में होता है जिसे इनफील्ड हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह भूतिया घर से परेशान होकर पैगी चर्च से मदद मांगती है। फिर चर्च पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडल नॉरेन वॉरेन को वहाँ भेजते हैं और फिर इस मूवी में डर का भयानक दृश्य दिखाए जाते हैं। अगर आप इस मूवी का पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की ऐसी 5 हॉरर मूवी जो कि सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ सच्ची घटना पर भी आधारित है। हॉलीवुड में ऐसी और भूतिया मूवी है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर मुझे अपना प्यार देना भी ना भूले। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी अवश्य दबा दे ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट।